मुख्यमंत्री आया नहीं ना आया मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है कि नहीं जुड़ी बारी आया और अजय आया नहीं ना आया नामी साहब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी यहाँ कभी नहीं आया जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जिस स्थान पर नहीं पुजे उ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए ये सिफत है भारतीय जनता पार्टी की जरा फर्क के है ये फर्क है सारे कार्यकर्ता अस निका जहा निवेदन रखा उन्हें घड़ी नहीं लाई बनने बाकी जड़िया गल मांगे दियाँ मिकी पचेता भी है करके भी अगे भी करा दें भैन जी आई सरपंच और लंबी फिस्त कराई एक गल भुली दी हम दामी साहब भी दिखिए चेता जी अहम जी भर्ती भी करा दी सारे सर्कल रोड बन जाए और डॉक्टर साहब ने माना भी है हम जम्मू गए थे ये सारी चर्चा हुई है इस पहाड़ी क्षेत्र में हमें दो डिग्री कॉलेज चाहिए वो डॉक्टर साहब से बात की है फिर भी हम करेंगे और आने वाले समय में जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में जो बनने वाली है हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ये मसले हल होंगे कई हाई सेकेंडरी स्कूल के मसले हैं सनरोता है बटवाल है तो ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में हैं लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ये पहाड़ी इलाके के लिए एक आर्मी की भर्ती स्पेशल को आई जाए सबसे पहले और उसके बाद एक बरी में कराई जाए क्योंकि यहाँ से दूर दराज इलाके से हमारे नौजवान नहीं जाते हैं जितने भी आपने डिमांड्स रखी हैं वो हमने पहले भी डॉक्टर साहब के पास दी हैं और दोबारा फिर हम डॉक्टर साहब के पास देंगे बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया जो हमारी जम्मू कश्मीर में आने वाली बीजेपी की सरकार है जैसे किसान निधि का पैसा जो है वो 6,000 से 10,000 होगा हमारी माताओं को बुजुर्ग जो हैं उनको 18,000 रुपया और ये डोडा वाला जो कहते हैं डोडा में मिला कहीं नहीं मिला है सिर्फ रजौरी पुंछ में कुछ ट्राइब्स को मिला है ये डॉक्टर साहब से हमने बात की है ये पार्लियामेंट में बिल पास होता है कोई एमएलए बन के कोई नहीं कर सकता और पार्लियामेंट में बीजेपी की मेजॉरिटी है बीजेपी की सरकार है इसलिए ये डिमांड भी हम डॉक्टर साहब से रखते हैं और फिर जल्द हम डॉक्टर साहब का एक और टूर दूसरे ब्लॉक में डुगैन ब्लॉक में मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था बड़ी तफसील से साथ आपसे बात करेंगे आप सभी ने समय निकाले मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूं जिस तरह आपने आप पहले भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया है मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए अपनी इस इलाके की सेवा करने का मौका दीजिए जो काम रह गए हैं कुछ अधूरे रह गए हैं क्योंकि 2.5 साल ही सरकार चल पाई थी आगे 5 साल के अंदर हम वो सभी काम करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि ये जो काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बगैर कोई नहीं कर सकता नारे सभी देते हैं तो इसलिए आपसे एक बार फिर अपील करता हूँ आपने इतना कीमती समय निकाला दूर दूर से आए हो सुबह से इंतजार कर रहे हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद।